हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द माई अनदर ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं घर की साइड। तो मैं जा रहा था घर की साइड, तो मैंने सोचा मैं कैमरा लगा लेता हूँ और आप सब लोगों के लिए कुछ रिएक्शन शूट कर लेता हूँ। बाय। तो चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो इधर अभी अपन लोग सिटी में हैं, इसलिए नॉर्मल 40-50 की स्पीड में चलेंगे। आगे हाईवे आने वाला है, तो भाई उस पे आज अपन टॉप स्पीड देखेंगे इसका कि अपनी रेडर जो है कितने टॉप स्पीड पे जा सकती है। तो वेट करो, चलते हैं आगे किस तरफ, देखते हैं वहाँ का क्या सीन रहता है भाई। बाकी व्यू देखो भाई, मतलब एकदम सामने से जो सूरज की किरणें आ रही हैं सीधा इधर ही आ रही है। मैं शाम के वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को टाइम मिला नहीं, तो मैंने सोचा शाम के वक्त मैं जा रहा हूँ घर की साइड। उधर मेरे को कुछ काम था घर पे, मम्मी का कॉल आया, तो मैं मम्मी की बात को टालता नहीं हूँ, सर फटाक से मैंने गाड़ी उठाया और चल दिया घर की साइड। तो आधे दूर पहुँचा तो मेरे को याद आया कि नहीं भाई कुछ हेलमेट लगा लेते हैं, कैमरा मेरे बैग में था, मैंने लगा फटाक से लगा लिया और रिएक्शन शूट कर लिया भाई। देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है क्योंकि इधर रिएक्शन बहुत तगड़े तगड़े मिलने वाले हैं भाई। अभी अपन लोग देखते हैं। तो पिछले वाले ब्लॉग में भाई उतना अच्छा व्यू नहीं आया था, तो थोड़ा सा मेरा मोरल डाउन हुआ है, लेकिन हार तो नहीं मानने वाला हूँ भाई। देखता हूँ कब तक नहीं आता है, क्योंकि मैं थोड़ा जिद्दी टाइप से इंसान हूँ, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों बंदों का रिएक्शन तगड़ा था भाई, मज़ा आ गया। मतलब आप जब बाइक लेकर के निकले और दो चार लोग देखे तो मज़ा सा आ जाता है, दिल को तसल्ली मिलता है कि नहीं भाई पैसा धीरे धीरे सूल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, तो अपने आप को भी खुशी थोड़ा महसूस होता है कि नहीं भाई ये अच्छा चीज़, ये कोई तरीका है भाई रोड क्रॉस करने का। देखो इसीलिए भाई इधर मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ स्पीड। अंदर ऑटो में से रिएक्शन देखो भाई, बच्चे लोग का, बच्चे का रिएक्शन भाई अपन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे देखेंगे तो लोग बोलते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो मैं भी इस बात को मानता हूँ भाई, मुझे भगवान पे बिलीव है कहीं ना कहीं, और ख़ुद से ज़्यादा बिलीव भगवान के ऊपर मैं रखता हूँ, क्योंकि वो चाहेगा तो आपको कामयाब कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो चाहेगा तभी आप कामयाब हो जाएंगे, उसके लिए आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा तब जा कर के। वैसे भी सफलता जो है एक दो दिन का चीज़ नहीं है भाई, आप एक दो दिन मेहनत कर दिए और आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भ्रम में हैं। इस लड़की का रिएक्शन देखो भाई, वो मतलब पीछे मुड़ करके देख रही है। तो ये रोड का हालत आप लोग देख सकते हैं कि कैसा है भाई, इधर बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में, इसीलिए मैं ज़्यादातर इधर से आता जाता हूँ नहीं, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन शूट करने का था इधर, इसलिए मैं आया। तो देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। वैसे ये रोड अभी फ़िलहाल में जो है बन रहा है, साइड साइड का आप देख सकते हैं जगह खाली कराया गया है, और ये जल्दी देखेंगे तो बन करके रेडी भी हो जाएगा। तो आगे को आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये रोड जो है कितना चौड़ा हो रहा है। वैसे भाई मैं कुछ सोच रहा था कि अपनी जो रेडर है इसका कोई नाम सोचते हैं और इसका नाम रखते हैं, तो मेरे को तो इसका नाम कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि भाई इसका क्या नाम रखा जाए। आप लोग जो बोलेंगे वो नाम इसका रख दिया जाएगा। रिएक्शन देखो भाई, मतलब तो कब से भाई मैं बर्दाश्त करते हुए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अपन लोग थोड़ा सा गाड़ी को खींचेंगे, देखते हैं। 52, 53, 54, 55, 57, 58, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 164, 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
गया था। इधर देख सकते हो मेरा ग्राउंड है जहाँ पे मैं पहले रनिंग करने के लिए आता था। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है तो यहाँ पे बहुत लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो मैं भी पहले आता था जब खेलता था। ये रहा सिड़का हुआ बाबा का मंदिर, यहाँ पे भाई बहुत मानता हूँ मैं इनको। जब भी आता हूँ इधर से तो नज़र मेरा ऑटोमेटिक इनके सामने झुक जाता है, मुंडी आराम से झुक जाएगी इनके सामने आते ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बोला था कि साइड साइड में रोड बन रहा है, तो आप देख सकते हैं आगे से स्टार्टिंग हो चुका है।
इधर देख सकते हैं आप, इधर भी रोड बन रहा है, उधर भी रोड बन रहा है, तो जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। जिस स्पीड से काम चल रहा है ना भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्द से जल्द काम इसका जो है ना क्लियर हो जाएगा आपका। भाई यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखा अपने बचपन का जहाज, अब तो भाई ये रेडर अपने हाथ में आ गई, ये भी कुछ नहीं लगता, ये होता है कि इससे बड़ा जहाज अब मिले, जैसे H2 हो गया भाई, लेंगे अभी टाइम है, बस आप लोगों को सपोर्ट बना रहे भाई, हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो भाई फाइनली जिस चीज़ का हम लोगों को इंतज़ार था वो आ ही गई, फाइनली अपना जो है रिंग रोड आ चुका है, तो इस पर अपना आज अपन लोग जी चांद से भगाएंगे, देखते हैं अपनी रेडर क्या टॉप स्पीड निकाल करके हम लोगों को देती है। तो अपन को थोड़ा सा आगे चल के तब वहाँ से लेना पड़ेगा यू टर्न, क्योंकि इधर से पीछे जाना पड़ता है 1 किलोमीटर, तो मैंने सोचा पीछे क्यों जाए, आगे से नहीं ले लेंगे, इससे अच्छा यहाँ पे खींचते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कितना जा पाती है। 78, 85, 90, 91, 93, यहाँ पे स्लो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आगे ब्रेकर है, चौराहा भी है, उससे 100 मीटर आगे बस अपन लोग हाईवे के अंदर घुस जाएंगे, तो वहाँ पे खींच करके दिखाएंगे आप लोगों को क्या रहता है। रिएक्शन देखा भाई, मैं तो डर गया, मतलब ऐसे लोग देख रहे हैं कि जैसे लग रहा है फाड़ करके खा जाएंगे मुझे ही, इतना तगड़ा रिएक्शन कौन देता है यार कि सामने वाले की क्या बताएं। तो फाइनली अपन को इधर से यू टर्न लेकर के हाईवे के अंदर एंट्री करना होगा, अंदर जाने के बाद भाई खींचेंगे, देखते हैं क्या रहता है। ओ भाई ये रोड थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मेरे को भाई, इस पे देखेंगे तो 24 घंटा ट्रक आते जाते रहता है, रिंग रोड है ना इसीलिए बनता है, इसीलिए कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस पे से आराम से निकल जाएं, छोटी छोटी मतलब सड़कों में से अगर ये जाएंगी तो भाई पीछे तो जाम लग जाएगा, प्लस आने जाने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। तो इधर अपने को थोड़ा सा रोड क्लियर दिख रहा है, तो इधर अपन लोग खींचेंगे गाड़ी को, देखते हैं क्या टॉप स्पीड निकल के आता है। 84, 87, 85, 90, 91, 93, रोड का कंडीशन भाई सही नहीं है, इसीलिए अपन को स्लो करना पड़ जा रहा है, नहीं भगाते देखते क्या टॉप स्पीड निकल करके आता गाड़ी का, लेकिन रोड का कंडीशन भाई सेफ्टी भी ज़रूरी है, क्या पता वीडियो बनाने के चक्कर में ख़त्म हो जाएंगे तो आगे का वीडियो कौन बनाएगा। देखा भाई बंदे का रिएक्शन, लेकिन बंदे का मेरे को एक चीज़ बहुत ख़राब लगा, आगे से मतलब अंदर से जो है बना है जाने के लिए, लेकिन फिर भी ये भाई जो है रोड क्रॉस कर रहा है इधर से इधर, वो भी चलते फिरते रोड पर से, भाई ये चीज़ गलत है, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना, लेकिन क्या करेंगे भाई, हम लोग इंडिया वाले हैं ना, इंडिया वाले भले ही बेरोजगार रहेंगे लेकिन उनको लेट होगा कहीं ना कहीं जाने के लिए, सब आजकल का माहौल है भाई, हर सबको जल्दी होता है। तो अभी थोड़ा सा आगे से अपन को इधर से यू टर्न लेकर के घूमना पड़ेगा, घूम के दिखाता हूँ मैं, जो बोल रहा था कि वो बंदा चाहता तो नीचे से भी जा सकता था, दिखाता हूँ उधर से। तो इधर गाड़ी को आराम से मुड़ाना पड़ेगा भाई, क्या पता सामने से कोई गाड़ी या ठोके चल दे, इसीलिए इधर को आराम से, एक तो अपन लोग रॉन्ग साइड पे भी हैं। इसी के अंदर से मैं बोल रहा था कि भाई अगर वो बंदा चाहता तो इसके अंदर से भी जा सकता था। भाई भैया जिस हिसाब से गाड़ी साइड में लगा करके बात कर रहे हैं तो कुछ लोग समझ गए होंगे कि वो कहाँ और किससे बात कर रहे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के लौंडे खुद ही लीजेंड है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो लोग समझदार हैं, स्माइल भी थी उनकी फेस पे बात करते टाइम, तो समझ रहे हो ना।
तो फाइनली मैं अपने गांव की साइट एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे आप लोगों को रिएक्शन मिल सकते हैं। भाई ये देखो रिएक्शन, ये बच्चे का रिएक्शन चेक करो भाई, क्यूट क्यूट, तसल्ली मिलता है भाई जब बच्चे लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ का रिएक्शन चेक करो भाई, खतरनाक। ये भी जितने भी रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिले, ये भाई मेरे गांव के लोग ही हैं। तो फाइनली मैं अपने घर के साइड पहुंच गया हूँ, तो चलते हैं घर पे और अपने डॉगी का रिएक्शन देखें। भाई उनको एक हफ्ता हो गया उससे मिले, देखते हैं वो देख करके कैसा रिएक्ट करता है अपने को। तो उधर मेरे गाँव के मतलब चाचा के लड़के बैठे हुए थे, तो वो लोग देख रहे थे, तो वही मैं उधर के देख रहा था। चलते हैं अंदर और भाई अपने डॉगी का रिएक्शन देखते हैं। भाई वो बहुत खुश होगा अगर मेरे को देखेगा, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ कसम से। फाइनली इससे एक हफ्ते बाद में मिला भाई, क्या हुआ बाबू है ना, कैमरे पे मार दे रहे बस। कोरा में उठा ले आपको, तत 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 तत।